कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक सनातनी आज डटकर के कार्य कर रहा है। ओम राउत और मनोज मुंतशिर जैसे कुछ लोग रामायण को काल्पनिक दिखा करके और रामायण के ऊपर आक्षेप लगा करके अगर चाहते क्या कहिएगा महाराज जी, आप वैदिक रीति रिवाज और परंपरा से शादी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म को बदनाम करने की लाख कोशिशें जारी हैं। हाल फिलहाल आदि पुरुष मूवी को आपने देखा होगा, क्या कहिएगा? मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हालांकि ये वो मंच नहीं है वरना मैं विधिवत बताता। मैं हमेशा बोलता हूँ, सुशील भाई खड़े हैं, कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक सनातनी आज डटकर के कार्य कर रहा है। और ओम राउत और मनोज मुंतशिर जैसे कुछ लोग रामायण को काल्पनिक दिखा करके और रामायण के ऊपर आक्षेप लगा करके अगर चाहते हैं कि 500 करोड़ कमाएंगे तो ये संभव नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सनातनी समाज रावण की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो रामायण पर लगे गए आक्षेप को एक क्षण के अंदर हटा सकता है अगर उसको धरातल पर उतरना पड़ा तो। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप लगातार जिहादियों के और वामपंथी ताकतों के टारगेट पर रहते हैं, तो क्या कहिएगा जिस तरीके से आदि पुरुष आई, उसके बाद तमाम तथा कथित मूवीज आई और आप आज आपकी जो शादी है वो वैदिक रीति रिवाज और परंपरा से हो रही है, कहीं ना कहीं जो सनातनी हैं जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं वो इससे विफुर हो रहे हैं, खासकर शहरी इलाकों में, उसे आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? और आप जैसे तटस्थ कथावाचक जो मंचों से हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर रहे हैं, जो तटस्थ होकर बात कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस कड़ी को कैसे मोड़िएगा? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। अभी आपने कहा बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, सब भूहा हो जी महाराज। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रशिया, इसराइल, दोहा, कतर, मस्कट, सब एक तरफ से। लेकिन एक बात जानिएगा, धर्मो रक्षते रक्षिता यतो धर्मस्ततो जया का सिद्धांत लेकर के चल रहा हूँ। और रही बात विवाह की, तो अगर मेरा विवाह है तो चाहे आज की बात हो चाहे आज की बात हो, सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अनुसार ही विवाह होगा, निश्चित तौर पर होगा। और आपने शादी का कार्ड भी पढ़ा था तो विधिवत तरीके से आपको पता होगा। बात महाराज जी बताइए, क्या विवाह के बाद हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके आप पूरे भारतवर्ष में दौड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप सनातन धर्म की प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार, उस तरफ मध्य प्रदेश में और पूर्वांचल में मोहित राज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या विवाह के बाद मार्ग पर बढ़ रहे हैं, क्या इसमें कोई कमी आने वाली है? अब वो तो ये जाने, क्योंकि आज एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। और मेरा तो यही विचार है कि अभी मैं अकेला था, अब दुगनी शक्ति के साथ भिड़ूंगा। सीधा सा सिद्धांत है, अगर आपका साथ सहयोग समर्थन रहेगा महाराज जी, भारत के 125 करोड़ सनातनियों ने आपको पिछले 6 साल से अपना एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व मान लिया है, तो क्या आप उन 125 करोड़ देशवासियों के, हिंदुत्व के जो 125 करोड़ मानने वाले रक्षक हैं, क्या उनके उम्मीदों पर आप खरे उतरने वाले हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बगैर नारी शक्ति के पुरुष कभी कोई कार्य ही नहीं कर सकता, चाहे वो धर्म का कार्य हो, चाहे कर्म का कार्य हो, या सत्कर्म का कार्य हो। तो सीधा सा सिद्धांत है, जिस प्रकार से मैं अभी सनातन धर्म के संस्कृति की आवाज को उठा रहा था, विवाह के पश्चात उसकी दुगनी शक्ति के साथ उसकी आवाज उठाई जाएगी। और जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मुहिम चलाई जा रही थी, ठीक उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मुहिम चलाई जाएगी। और रही बात विवाह की, तो हर एक कार्य को करने की हर एक उम्र होती है, और सही उम्र पर किया गया कार्य ही आने वाले समय में भारत को विश्व। महाराज जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से सारे हिंदू नेता इस आपके कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, चाहे हिंदू आर्मी हो, चाहे हिंदू राष्ट्रीय गौरव महासभा हो, हिंदू समाज पार्टी हो, तमाम हिंदूवादी नेता आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे साथ देंगे? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अरे भाई साहब, आप सिर्फ हिंदू आर्मी, हिंदू समाज पार्टी की बात करते हैं, मैं कहता हूं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवावाहिनी, या विश्व सनातन महासंघ, या जितने भी सनातनी संगठन है, आप जाकर के कहीं पर भी उठा करके देखेंगे, मोहित राज किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य नहीं करते, मोहित राज किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य नहीं करते हैं, और मोहित राज किसी संगठन विशेष के लिए भी कार्य नहीं करते हैं। सीधा सा सिद्धांत, जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत देश पर राज करेगा।